जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि हमें इस मेष राशि वालों को, आपको आज के दिन कोई अटका हुआ व्यापार या अटका हुआ काम आपका आज के दिन सिद्ध और संपन्न हो सकता है। दूसरी राशि है मृख। मृख राशि वालों को, आपको आज के दिन कोई शुभ सूचनाएं प्राप्त होगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर, श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को, आपको आज के दिन वाहन, नदी, कुआं, तालाब जैसी स्थितियों से दूर रहना है। यह आपके लिए खतरनाक या नुकसानदायक हो सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को, आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई मानसिक तनाव बेचैनी रह सकती है, घर परिवार वालों इत्यादि से लेकर। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग भी बन रहे हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को, आपको आज के दिन यदि आप कृषि क्षेत्र में हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कार्य रहेगा। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग बन रहे हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को, आपको आज के दिन भूमि, जमीन, जायदाद का व्यापार शुरू कर सकते हैं, अथवा कोई भी आप फैक्ट्री, बिजनेस, मकान डालते हैं, तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा आज के दिन। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को, आपको आज के दिन अटका हुआ व्यापार अथवा कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमा सिद्ध संपन्न होंगे। दसम राशि मकर। मकर राशि वालों को, आपको आज के दिन श्रेष्ठ और मध्यम कारक दिन रहेगा, जो कि आपके लिए कोई भी किसी भी प्रकार के काम में हाथ डालेंगे तो यह काम आपका हो सकता है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को, आपको आज के दिन दुकान, व्यापार अथवा कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए श्रेष्ठ कारक लाभकारी है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को मानसिक तनाव बेचैनी आपकी आज बढ़ सकती है किसी कार्य को लेकर के, और बहुत दिनों से अटका हुआ काम आज आपको कोई अड़चन का कारण भी बन सकता है। इसलिए आप भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें या पुखराज नामक रथ धारण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।